ओम शांति। जरा याद करें, किसने पाला है हमें अपने परम पवित्र प्रेम में, किसने निहारा है हमें प्यार भरी दृष्टि से, किसने बरसाई है अपनी रहमत हम पर, किसने भरपूर किया है हमें सर्व शक्तियों से, किसने हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनाया है अपनी स्थिति को ईश्वरीय नशे की ओर ले चलें। ये ईश्वरीय नशा हमारी बुद्धि को भरपूर करता है, बहुत सशक्त करता है। ईश्वरीय नशे में रहने से हमारी बुद्धि पात्र बनती जाती है सब कुछ धारण करने के लिए। बाबा ने तो कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देने आया हूँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ, मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूँ। अब बाबा साइलेंट हो रहे हैं, उनकी शांति हम सबके अंदर भी शांति की शक्ति भरती जाएगी, उनकी शांति इस संसार को भी शांति के अंतिम पथ की ओर ले चलेगी। हम स्वयं को रोज याद दिलाया करें, इन आंखों से इस जीवन में क्या क्या देखा, इन कानों ने इस जीवन में क्या क्या सुना। कान भी निर्मल हो गए, कान भी भाग्यशाली बन गए, कमल समान बन गए, और इन आंखों से क्या क्या देखा, भगवान को हजारों बार देखा। एक सुंदर वरदान उनसे मिल गया, जब चाहे मुझे देखो, जी भर के देखो, क्षण भर के लिए साक्षात्कार की बात नहीं, दिल भर के देख लो कितना सुंदर हूं मैं। सत्यम शिवम सुंदरम, निराकार होते हुए भी उसकी सुंदरता हमें कितनी आकर्षित करती है, क्योंकि उसके पास संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता के सागर हैं वो, गुणों के भंडार सागर हैं वो। ये दोनों चीजें ही वास्तव में किसी के जीवन की सच्ची सुंदरता होती है। तो इस ईश्वरीय नशे में रहें, आज सारा दिन स्वयं को इस महान नशे में स्थित रखना है। कितना बड़ा भाग्य हमें प्राप्त हुआ, स्वयं भाग्य विधाता हमारे हो गए, हम पर मेहरबान हो गए, अपना सर्वस्व प्रदान करने को तत्पर हो गए। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया है, सुदामा की तीन मुट्ठी चावल लेकर उसको सब कुछ देने चल दिए, एक दूसरा वरदान, तीसरा भी देने लगे, सब कुछ तुम्हारा, तो रुक्मणी ने रोक दिया, हमारा हिस्सा भी तो है। परंतु बाबा तो सबको सब कुछ देने में समर्थ है, भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, और इतना भाग्य देने लगा कि हमें भी मास्टर भाग्य विधाता बनाने लगा, हम मास्टर भाग्य निर्माता बनने लगे। अपनी इस महानता को जरा पहचाने, कितनी बड़ी प्राप्तियां इस जीवन में हम सबको हुई हैं। आज सारा दिन ये दो स्वमान विशेष रूप से याद रखेंगे, मैं एक महान आत्मा, मास्टर भाग्य विधाता हूँ, सर्वश्रेष्ठ भाग्य की धनी, मेरे हाथ में बाबा ने कलम दे दी है अपना और दूसरों का भाग्य निर्माण करने की। इस कलम का सदुपयोग करें, लिख दें जितनों का श्रेष्ठ भाग्य लिखना चाहें, सिखा दें वे कर्म जिससे उनका जन्म जन्म का भाग्य महान बन जाए, वो दाता बन जाए। तो आज सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे हम मास्टर भाग्य विधाता और महानात्माएं। और योग अभ्यास में मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त,
कल्प वृक्ष का मास्टर बीज, सारे कल्प वृक्ष की पालना करने वाली आत्मा, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है और मेरे ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। ओम श्याम।